गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स एल्गी। बच्चे एल्गी शुरू करने से पहले बेटा ये टॉपिक आपने खुद करना है, ये देख लेना आप, इजी है, ठीक है। यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इजी है और समटाइम पेपर में भी आया था। आप एक बार खुद पढ़ लेना, ना पता लगे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एल्गी आर द सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और ये कहाँ पर आया था, मोस्ट हैबिटेट, ठीक है। एल्गी क्या होता है बेटा, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है। आपने कभी देखा होगा ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे हम हिंदी पंजाबी में बोलते हैं काई लग गया, काई, ठीक है। तो इसको मतलब कि इसी को बोलते हैं बेटा एल्गी, ठीक है। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि एक तो यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल, माइक्रोस्कोपिक काफ़ी ज़्यादा छोटे, मतलब आपके हेयर से भी लाख टाइम छोटे होते हैं, आपके हेयर से भी लाखों टाइम छोटे होते हैं ये, ठीक है। देयर साइज कैन बी वेरी, और इसकी साइज जो बेटा होता है एक माइक्रोन से 50 मीटर तक वेरी करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। और एक माइक्रोन देख लो कितना छोटा, एक माइक्रोन से 50 मीटर तक इसका साइज वेरी करता है। और ये जो होता है मेनली कहाँ मिलता है, दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ मोस्ट हैबिटेट सच एस पडल्स, डिचेस, मतलब रॉक्स में मिलता है, स्टेम्स में मिलता है, एक्सेट्रा। और मीन्स, और सम ऑफ द एल्गी अटैच टू द रॉक्स अटैच होता है, मतलब जहाँ पे इनको मॉइस्चर्स मिलता है इनको ग्रो के लिए सबसे बेटर होता है, ठीक है। वाइल अदर स्विंग और फ्लोट इन द वाटर पाउंड्स, रिवर, लेक्स, ओशियंस, मतलब कि तालाब के किनारे मिलता है, नदियों के किनारे मिलेगा आपको, और इवन आपके बाथरूम में भी आपको मिल जाएगा अगर वो सफाई रेगुलरली नहीं करोगे तो, ठीक है। अगर नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो लार्ज एल्गी डैट ग्रो इन द ओशियंस इज कॉल्ड सीवीड्स, ठीक है। लार्ज एल्गी जो ओशियंस में ग्रो करते हैं इनको बोलते हैं सीवीड्स, एंड इंक्लूड द वेराइटीज नाउ एज किल्प, ठीक है। सम आर ऑल्सो फाउंड इन बार्क ऑफ ट्री, कुछ जो होते हैं बेटा वो बार्क ऑफ ट्री में मिलते हैं और ग्रो करते हैं विद इन ए प्लांट, मतलब प्लांट के साथ ये, साथ साथ ही प्लांट के ये ग्रो करते हैं, और एंड एनिमल, ठीक है। सम ऑफ देम ऑल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक वर्ड है बेटा इसका मीनिंग आपने बताना है मुझे इन बिटवीन लेक्चर में, कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, विद अदर। फॉर एग्जाम्पल लिंचिस शो सिम्बायोसिस बिटवीन द एल्गी एंड फंगी, ठीक है। ये क्या करता है, इनके इन बिटवीन शो करता है, लिंचिस शो सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंगी। तो इस मीनिंग का बेटा मतलब मुझे बता दोगे, ये मीनिंग और ये मीनिंग सेम होता है, इनका मतलब सेम होता है, तो आप मुझे मीनिंग बताओगे। तो ये आपके लिए छोटा सा वर्क है इन बिटवीन, ताकि लेक्चर लगाने के साथ साथ आप मुझे मीनिंग बताए। और बेटा एक चीज़ और क्लियर, जो इन बिटवीन लेक्चर मुझे इसका मीनिंग बताएगा, ठीक है, मतलब उन स्टूडेंट के ही अटेंडेंस काउंट होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो दे आर रिच इन क्लोरोफाइल, और इनमें क्लोरोफाइल होता है, और क्लोरोफाइल पता ना आपको किस चीज़ के लिए होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, एंड आर द सीन एज ए थिन ग्रीन फिल्म, और ये थिन ग्रीन फिल्म की तरह दिखते हैं, और सरफेस ऑफ लेक्स और पाउंड में। फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रास ऑफ वाटर, इनको ग्रास ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसी करके यूनिसेलुलर एल्गी कैम इन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ शेप्स, स्फेरिकल, रोड लाइक, स्पाइंडल शेप और क्यूब शेप में मिलता है। और मल्टीसेलुलर एल्गी की बात करूँ तो इन द वेरियस अदर फॉर्म्स सच एज फिलामेंट, ब्रांचेस, सम ऑफ द एल्गी लाइव इन कॉलोनीज, फॉर एग्जांपल वैरायटीज वी कॉल वोल्वॉक्स, ठीक है। और इनके बेटा कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग नेम से, इनके बेटा जैसे कि अगर आप चाहो तो फॉर्म यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, तो इनके आप नेम देख सकते हो। अदर देन क्लोरोफाइल दे ऑल्सो कंटेन पिगमेंट दैट मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफाइल, ठीक है। अदर देन क्लोरोफाइल जो होता है दे ऑल्सो कंटेन पिगमेंट दैट मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफाइल एंड टेक द एल्गी अपेयर्स रेड, ब्राउन, एक्सेट्रा, ठीक है। दे ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन, रेड, ग्रीन और ब्लू। एस वी लर्न एल्गी वेरिंग साइज, जैसे कि बेटा हमने पीछे पढ़ा है एल्गी जो होता है एक माइक्रोन से 50 मीटर के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी के मैंने आपको कुछ नेम बताया था, ठीक है, एक्सेट्रा, जिनको। और अगर हम बिग एल्गी का अगर एग्जांपल हो तो उसको बोलते हैं सीवीड,
ठीक है ना, इसे बिग एल्गी बोलते हैं। एल्गी आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। एल्गी क्या होता है बच्चे, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफाइल। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन द एल्गी टेक प्लेस बोथ बाय सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स का मतलब क्या, सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, दो इंडिविजुअल पार्ट करते हैं, मतलब सेक्सुअल में क्या होता है दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ए और बी पार्टिसिपेट करके एक नया चीज़ बनाते हो, और एसेक्सुअल में क्या होता है सिर्फ ए की पार्ट करता है, मतलब ए ही पार्टिसिपेट करके नया ए बना लेता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है सेक्सुअल में ए बी पार्ट करके सी बनाते हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस फ्रेगमेंटेशन फ्यूजन स्पोर फॉर्मेशन। इन द फ्रेगमेंटेशन द सेल बॉडी ऑफ सेपरेट इनटू फ्रेगमेंट। इनमें फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो इनकी सेल बॉडी होता है वो किसमें सेपरेट होता है, फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट में। वेरस इन द फ्यूजन में क्या होता है, बॉडी स्प्लिट इनटू टू पार्ट। फ्यूजन में क्या होता है बेटा, बॉडी किसमें स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट में। ठीक है, जो हमने बेटा पीछे पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही आपने यूजफुल एल्गी भी पढ़ना। ओके, एट लास्ट बेटा फंगी। ठीक है, अगर हम फंगी की बात करें, फंगी आर द बेटा फंगी भी प्लांट लाइक माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बट बिकॉज दे इसमें बेटा देखो ये प्लांट लाइक ही होता है, बट इसमें क्लोरोफाइल नहीं होता, पिछले वाले में था। ठीक है, इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, पर पिछला वाला खुद बनाता था। मोस्ट ऑफ दे आर, ये देखो ये वर्ड की मीनिंग मैंने आपको पिछले वाले में पता करने बोला था। ठीक है, एंड सम आर पैरास्टिटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये बेटा कुछ वर्ड्स मैंने आपको इन बिटवीन चैप्टर दे ही जाना है, तो ये मुझे आप इन बिटवीन लेक्चर मुझे इसका मीनिंग बताओगे। ठीक है, दे आर फाउंड इन, और देखो बच्चे 70,000 टाइप ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ फंगी पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में हमारे। ठीक है, दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई ग्रोइंग ऑन द मोस्ट ऑफ द ट्री ट्रंक्स। ये ईजिली आइडेंटिफाई होते हैं ये ट्री ट्रंक्स पे, डैम पे, क्लॉथ पे, लेदर गुड्स पे, ऑन द स्टेल ब्रेड पे। और आपने समटाइम देखा होगा आपका ब्रेड को आप छोड़ दो ना, ज़्यादा दिन यूज ना करो, फ्रिज में नहीं बाहर रख दो, तो देखोगे उस पर वाइट वाइट सा कुछ जमने लग पड़ता है, वही होता है बेटा फंगी। ठीक है, एंड इफ़ फूड नॉट प्रिपेयर, अगर कोई खाना है उसमें मतलब प्रेजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है, तो उसमें क्या होता है बेटा, सीन एज ए ग्रीन स्पॉन्जी, और वो ख़राब होने लग पड़ता है, उसमें क्या जम जाता है फंगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, मटेरियल ऑन द कुक फूड और पिकल्स, ये उनकी बात करेंगे, प्रेजर्वेटिव ना डालो तो। दे आर फाउंड इन वेराइटीज ऑफ हैबिटेट्स, दे प्रेफर डार्क, इनको बेटा डार्क वार्म डैम्प प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। दे आर आल्सो टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और आप मानोगे नहीं कि डार्क इनको मतलब टेम्परेचर में भी चल जाते हैं, बट समटाइम ये क्या करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पर जिंदा रह भी लेते हैं। ठीक है, पर यह डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हैं। ठीक है, अगर आप फंगी की स्टडी करेंगे तो उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में। इफ़ यू लुक द क्लोजली एट द स्ट्रक्चर, अगर आप फंगी की स्ट्रक्चर देखोगे, आप क्या देखोगे कि सेल हैव, इनमें क्या होता है बेटा, सेल वॉल एज ए आउटरमोस्ट कवरिंग। इसमें जो सेल वॉल होता है वो बाहर का कवरिंग होता है, द सेल वॉल, और इसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड ऑल अदर कंपोनेंट द सेल लाइज स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बाकी चीज़ क्या होता है स्कैटर होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लाइक एल्गी, फंगी भी जो है बेटा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर फंगी इंक्लूड ईस्ट और मिल्डवीज बोलते हैं। ठीक है, मिल्डवीज बोलते हैं। ईस्ट जो होता है बेटा लाइव इन कॉलोनीज एंड एरोबिक बेटा मैंने इस पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, मैंने बताया था ना एरोबिक और एनएरोबिक, मतलब एक को एयर चाहिए होता है उसको एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं, एक को नहीं चाहिए होता है वो इसको एरोबिक रिएक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एयर और एयर के बिना भी रह सकते, और मतलब कुछ फंगी जो होते एयर के बिना रह लेते हैं, बट कुछ नहीं रह सकते, इसलिए एरोबिक एनएरोबिक दोनों बोलते हैं। मिल्डवेज आर द पैरास्टेटिक, इनका इसका मीनिंग मैंने आपको पता लगाने बोला है, विच ग्रो ऑन द सम लिविंग प्लांट्स, ये कुछ लिविंग प्लांट्स जैसे पोटैटो, वीट, ग्रेप्स एक्सेट्रा पे, इसकी मीनिंग भी आपको मैंने पता लगाने वाला। और ये कहाँ ग्रो होता है, ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर
दे आर ऑप्टन सीन ग्रोइंग ऑन द डैम्प क्लॉथ एंड द लेदर गुड्स पे. रिप्रोडक्शन इन द फंगी टेक प्लेस बाय द स्पोर्स फॉर्मेशन. इसमें क्या होता है बेटा, अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करो, एक फंगस दूसरा ये क्या कर यूज़ करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन यूज़ करते हैं. स्पोर आर द सिंगल सेल बॉडी होता है जो कवर होता है बेटा हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से, और हार्ड कवरिंग लाइक केश, ठीक है ना. और ये कैपेबल क्या किस चीज़ के लिए होता है, टू ग्रो इन टू न्यू ऑर्गेनिज्म. ये कैपेबल होता है नया ऑर्गेनिज्म बनाने में. और ये बेटा इसका अगर आप देखोगे तो इसका क्या होता है, ये बर्ड्स केयर्स बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इसको बेटा. ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला इसे बोलते हैं लिपिड ग्रैन्यूल्स बोलते हैं. ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है सेल वॉल है, और ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है. मल्टी सेलुलर फंगी क्या होता है, कंप्रेसिस ऑफ मोल्ड्स एंड मशरूम्स, ठीक है. ये उनके एग्जांपल्स है. मोल्ड्स लुक लाइक ए ट्रायंगल मास थ्रेड लाइक, ये ट्रायंगल मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड ऑब्जर्व विद द एड ऑफ द हैंड लिंस, ठीक है. एंड और इसका द मास इज कॉल्ड मेसीलियम एंड द थ्रेड इज कॉल्ड हाइपा, ठीक है. अंडर द हैंड लेंस टीनी डॉट्स आर ऑब्जर्व ऑल ओवर द मोल्ड्स, ठीक है. जो अगर आप बच्चे क्या करोगे, इसको लेंस यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इसको आपको हर तरफ क्या दिखेगा, टीनी डॉट्स दिखाई देंगे. और डॉट्स को क्या बोलते हैं, सुपरंगिया. एंड इसमें क्या होता है बेटा, स्पोर्स होता है, ठीक है. और ये बेटा जो आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स है, ये कॉमनली कहाँ होता है, ब्रेड में होता है, ब्रेड में पाया जाता है. और ये ग्रो करता है इन ए स्टेल ब्रेड, ठीक है. पेंसिलिनियम इन द मोल्ड फॉर्म विच पेंसिलिनियम मेड, ठीक है. पेंसिलिनियम जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, मोल्ड फॉर्म होता है जो क्या होता है, विच इज पेंसिलिनियम मेड. और ये बेटा मोल्ड फॉर्म होता है, इसी से क्या बनता है, पेंसिलिनियम, ठीक है. जो बेटा मोल्ड्स तो होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यूजली कहाँ ग्रो करता है, रोटन फ्रूट पे, ठीक है, ब्रेड पे, फूड स्टफ पे, मॉइस्ट ग्रेन्स पे, और पल्सेस, मतलब जिनमें या तो प्रेजर्वेटिव ना डाला हो या तो जिनमें अच्छे से उनकी देखभाल ना किया गया हो. देयर इज अनदर टाइप्स ऑफ मोल्ड्स एंड ग्रो ऑन द ब्रेड, इसे बोलते हैं ऑरेंज मोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना. और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा, ये पिंकिश ऑरेंज कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है ना. कुछ पिगमेंट्स बेटा पिगमेंट्स ही होते हैं जो जिनके करके वो कोई भी चीज़ कलर शो करता है, ठीक है. जैसे क्लोरोफाइल करके क्या शो करता है, ग्रीन, ठीक है. और इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी ब्रेड मोल्ड बिकॉज इट वाज वन ए न्यूसेंस इन द बेकरीज सिंस इट इज़ अ टेंडेंसी. और इसकी टेंडेंसी क्या होती है बच्चे, ये ग्रो ऑन लोब्स ऑफ ब्रेड, और ये इजीली लोब्स ऑफ ब्रेड पे ग्रो करने लग जाते हैं. वैन ऑब्जर्व अंडर, अगर आप बेटा इसे कभी भी माइक्रोस्कोप के अंडर देखो, आप क्या देखोगे, इट वाज फाउंड दैट इट ग्रो बाय इलॉन्गेशन ऑफ टिप्स. अब जब भी बेटा इसे देखोगे तो ये क्या देखोगे कि ये जब भी ये ग्रो करता है कैसे, इलॉन्गेशन ऑफ द टिप्स ऑफ द हाइफे, ठीक है. एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिप्स एज ए ब्रांचेस, एक तो ये टिप्स पे ग्रो करता है, साथ में नया टिप्स बना लेता है, ठीक है ना, जस्ट बिहाइंड द मेन टिप, मेन टिप्स के बिहाइंड ये नया टिप्स बना लेते हैं. इट इज़ वन ऑफ द और ये बेटा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रो फिलामेंटस फंगी होता है, और मैयर अप्रोक्सीमेटली, और ये कितने बड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है, ठीक है. आपका ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे. आज हमने इतना ही करना है, इसके बाद बेटा ये हमने कंटिन्यू करना है मशरूम से. तो थोड़ा सा रह गया, एक लेक्चर का आपका ये रह गया, ठीक है. थैंक यू फॉर टुडे.